الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه मुबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनीद इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलम नजीन कराम एक बार फिर मैं आपको पर शुभ में शुभ नूर के साथ दिल की अतः गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और आइए बिला तो चलें हजरत अबोनीस मोहम्मद बरकत रहमा की तारीफ़ अस्मा नबी करीम सल्ह वसलम से रसूल सल्ह वसलम का एक मुबारक पढ़ने पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुनाबल्लाम्ला आप पराम पर जुबैर रदी तुआ बयान करते हैं किसलम ने फरमाया कि फातिमा मेरा जिगर गोशा है उसे तकलीफ देने वाली चीज़ मुझे तकलीफ देती है और उसे मशक्कत में डालने वाला मुझे मशक्कत में डालता है जनाब तमाम माएँ बहनें बेटियाँ तो आज हमारे साथ ज़रूर जुड़ी रहें क्योंकि अकीदतों के जहाँ में रफ़तों के आसमान पर मकाम व मरतबे की सबसे बलंद तरीन मंजिल पर एक ऐसी हस्ती जो जाने जाने कायनात है जो अपने मनसब में सैदा कायनात हैं जो जोजाए मौलाई कायनात हैं जन्नती नौजवानों के सरदारों की जो माँ हैं और रहती दुनिया तक जिनकी हस्ती हर उम्मती के लिए दारुल अमा है जो खातून जन्नत है। जो हैं जो शहज़ादी कौन है जो ताजदार कायनात के दिल दिल का चैन है जो सरत किरदार और अपने तमाम ही अतवार में सरवर सरवरदो जहाँ सल्हुह वसम की अक्सर जमील हैं जिन्होंने चाहा होता तो इस कायनात के सारे ख़जाने उनके कदमों में होते जिन्होंने चाहा होता तो आसाइशों के अंबार के अंबार लगे होते मगर जाने कायनात की जान का फख्र फख्र मोम्मी था जिनका बातिन मुफ्फ़ा मुजला सरमदी था सैद कायनात नाजीन वो बुलंद मकाम हस्ती हैं जो अपने बाबा जान के किरदार के तहसीन तरीन सांचे में ढली हुई थी जिनका चलना अपने बाबा जान जैसा जिनका उठना अपने बाबा जान जैसा जिनका बैठना अपने बाबा जान जैसा जिनका खाना अपने बाबा जान, जान जैसा जिनका पीना अपने बाबा जान जैसा जिनकी गुफ्तार अपने बाबा जान जैसी जिनका किरदार अपने बाबा जान जैसा जिनका तबसम अपने बाबा जान जैसा जो जिनका तकल्लुम अपने बाबा जान जैसा जिनका जाहिर अपने बाबा जान जैसा जिनका बातिन अपने बाबा जान जैसा जिनका हुन जमाल अपने बाबा जान जैसा जिनका हर एक कमाल अपने बाबा जान जैसा सैदा कायन वो पाक मुनवर मोहतम हस्ती हैं नाजरीन कि जिनकी रातें अपने बाबा जान जैसी जिनकी तमाम आदतें अपने बाबा जान जैसी जिनकी चाहतें अपने बाबा जान जैसी जिनकी तमाम ही इबादतें अपने बाबा जान जैसी जिनकी सारी की सारी दूर एं अपने बाबा जान जैसी जिनका जोहद अपने बाबा जान जैसा जिनका जान जैसा जिनका फखने अपने 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 बाबा जान जैसा कि नाजीन कराम सैद कायनात किरदार का वह हसीन तरीन शाहकार हैं जिनकी पाक सीरत दुनिया के एक एक इंसान के लिए रहनुमा रहबर है कि यह वो हस्ती हैं जिनकी विलादत को कुरान में बयान किया गया यह वो हस्ती हैं जिनकी तरबियत महबू आलमीन के मुबारक साये में हुई ये वो हस्ती हैं जो हैं है है, यानी जन्नती औरतों की सरदार हैं ये वो हस्ती हैं जिनके बाबा जान अंबिया के इमाम हैं जिनके शोहर वलियों के इमाम हैं जिनके शहजादे जन्नती जवानों के इमाम हैं जो नस्ल अलैहिस्सलाम में ग्यारह आईमा की माँ जिनके शोहर अव्वल इमाम हैं नाजरी ये वो हस्ती हैं जो बचपन ही से अपने बाबा जाना की मोहब्बत से लेकर मैदान मुबाह तक और मैदान मुबाह से लेकर अपनी आखिरी सांस तक अपने बाबा इस्लाम का दिफा करती रही यह वो हस्ती नाजरीन जिनकी तो जिनकी इज्जत का वो हसीन मंजर भी कायनात ने इससे पहले ना कभी देखा था ना इससे पहले कभी देखेगी कि जाने कायनात जिनको अपनी जान फरमाए अपनी जिगर का टुकड़ा फरमाए जिनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत और जिनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ फरमाए ये वो हस्ती हैं नाजरीन जिनके पर्दे और इस्बत तहारत को अल्लाह तबारक तौर मजीद की आयात मना दिया ये वह हस्ती हैं जिनके एहतराम को अल्लाह तरिश्तों के प्रोटोकॉल से सजा दिया यह वह हस्ती हैं जिनकी खिदमत गुजारी के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को उतार दिया ये वो हस्ती हैं जिनकी इबादत का ये आलम था कि पूरी रात एक ही में सिमट जाया करती थी ये वो हस्ती हैं जो खौफ खुदा में बे मगर फिर भी कायनात की जात में बेशुमार था ये वो हस्ती जिनके मुबारक चेहरे को सरवर अपनी चश्मान मुबारक में बसा कर किसी सफर पर रवाना हुआ करते थे ये वो हस्ती हैं जिनके नूरानी चेहरे को मदीने पाक में दाखिल होते ही सबसे पहले देखा करते थे ये वो हस्ती हैं करते, करते, है करते थे और अपनी नशिश का जिनके लिए एहतमाम किया करते थे ये वो हस्ती हैं जिनकी बारगाह में और फरशी सुबह शाम सलाम करते हैं ये वो हस्ती हैं जिनके शहजादों के लिए फरिश्ते झूला झुलाने का बाकायदा तुमाम करते हैं ये वो हस्ती है नाजरीन जिनके शहजादों को सिदरा से आकर कुश्ती खिलाते हैं ये वो हस्ती हैं जिनका और एहतराम कुरान के अल्फाज बतलाते हैं ये वो हस्ती हैं जिनकी सखाव पर कुरान की आयात गवाह हैं ये वो हस्ती हैं जो मुजस्म लफ्ज कौशर की हकदार बनी ये वो हस्ती हैं जो इसमत की शाहकार बनी ये वो हस्ती हैं जिनकी नस्लों ने दीन की मुहाफिजत का करके हमेशा अपने बाबा जान की उम्मत की रहनुमाई फरमाई ये वो हस्ती हैं जिन्होंने

गुजरने वाली हैं, यानी ये वो हस्ती हैं जिनके हर हर प्रोटोकॉल का ऐलान इस तरह किया जाएगा कि उनके अदब में तमाम अहम मश की निगाहों को झुकाने का हुक्म दिया जाएगा आगाज करते हैं ना थी? हमारे साथ जो शख्सियत है यकीन किसी तारुफ़ के महताद पहली शख्सियत मुमताज़ आलम्दी जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी साहब तशीफ तो फरमाए हैं दूसरी शख्सियत ममताज़ इसकॉर जनाब डॉक्टर शब्बर अहमद जामी साहब तशरीफ़ तो फरमाए हैं तीसरी शख्सत में मुताज़ इसकॉलॉर जनाब डॉक्टर तािर हमीद तनौली साहब तशरीफ़ तो फरमाएँ तीनों अब आपको असलम खुश आहदेद और आखिर में मुल्क के मुताज़ सनाखा जनाब मोहम्मद जहिर अब्बास साहब मन कब का नजराना पेश फरमाएंगे तो आई ए साहब खातून जन्नत सलाम उल्ल की बारगाह में हम सब यानी देखने वाले और ज़िक्र करने वाले चलते हैं और सईद कायनत बीबी फातमतः तो चारा सलाम की ख़ानदानी फजीलत तो हम क्या बयान करेंगे बस अपना हिस्सा डालिए उसमें और आप सलाम सरवरद जहाँ सल्हु वसलम को जो तौफ़ा ख़ुदाबंदी ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि सूर्य कौसर की रोशनी में आगाज़ फ़रमाइए अल्लाह सुबहानल्लाबहान बसमीम जज़ल्ला सईद ना मुहमद अम्मा अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट आपके एंट्रो पे देना सर, चाहता हूँ सर, सर, सर। वो किसी ने कहा था और जामी साहब इसको बड़ा एंजॉय करेंगे उसके लबों में कोट मिठन की मिठास थी अल्लाह अल्लाह उसके लबों में कोट मिठन की मिठास थी अल्लाह अल्लाह और काफी भी गा रहा था वो ख्वाजा फरीद की अल्लाह 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 अल्ला, अल्ला, आपने अल्ला। जिस अंदाज में सैदा कौनैन को ट्रिब्यूट पेश किया है यकीन जानिए एक एक जुमला अपनी जगह पर एक मुकम्मल किताब की हैसियत Allah, रखता Allah, Allah, Allah. है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सदत है और हमारे सामीन व नाजरीन के लिए बहुत बड़ी शादत है कि हम आ, उन हस्तियों का जिक्र करने और सुनने का शर्फ पाते हैं कि जो मौजुअ कुरान हैं और मौजुअर को अल्लाह रब्लम ने और रमत कौन सल्ह ने इज़्ज़तों से इफ्तारत से अज़मतों से और रिफ़तों से नवाजा है भुँ। भुँ। आ, मैं ख़ानदानी आपके जो आज़मत व शरफ़ है उस पर मुख्तरा दो रिवायतें अर्ज़ करना चाहता हूँ पहली सही मुस्लिम से है मेरे करीम आका सलात ने अपने खानदानी अजमत व शराफत का एक तारुफ करवाते हुए इर्शाद फरमाया कि इन अस्त कि ना नाला कि ये सिलेक्शन अल्लाह की है यानी ये वो घराना है कि जिसके हर हर मामले की सिलेक्शन अल्लाह खुद फरमा रहे हैं उन्होंने कब पैदा होना है कैसे पैदा होना है नाम क्या रखे जाने उनके मकाम क्या होने हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होनी है तो इस खानदान को कोजूरतम ने फरमाया कि औलाद इस्माइल से किनाना को चुना फिर किनाना से कुरैश को चुना फिर कुरैश से बनी हाशिम को चुना नी मिन बनी और फिर बनी हाशिम से मुझे चुना सुबह ये सही मुस्लिम है और तिरमजी में सैद कौनैन के आबाओ अजदाद के इस खूबसूरत और अजमत वाले खानदान का तारुफ आकलात वाम ने यूं फरमाया खलक फजालनी फी खैरिम फिर कतन सुम जालम कबा एला फजालनी फी खै रहीम कबील सुम्म जालू बूतन फजालनी फी खै रही बईतन व फी खे रहीम नसबन यानी आप शुरू हो जाए ऊपर से मेन कास्ट सब कास्ट आगे फिर कबीला आगे फिर घर आगे फिर बाबा जो आपने बार बार बाबा के साथ उनकी हाँ। हाँ। हर जगह पे पर हाँ। हजूरतम ने फरमाया कि रब की इस कायनात में जो बेस्ट मकाम था वो रब ने मेरे खानदान को अता सुभान Allah, वो सुभान। मेरी आल औलाद को अशुभ सूरय कौसर के हवाले से कुर्बान जाऊं कुरान मजीद की सबसे बड़ी सबसे छोटी सूरत और कायनात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो जो कुरान ने कहा ना फातू बिसमेही मैं कुर्बान जाऊं जलाल ने कयामत तक की इंसानियत को जिन तीन आयतों पर मुश्तमिल सूरत से चैलेंज किया है ना कि लाउस जैसी कोई सूरत बुला लो अपने मददगारों को फइलम तफालु वलन तफालू, वलं तफालू नहीं कर सकोगे शुभहान सको सको कभी हम गौर करें कि उस सूरत का मजमून क्या है उस सूरत का मजमून अजमत सईद कौन शुभानबलाल ने कौन सा मजमून अल्लाह शुभान मुझे यहाँ पर वैसे तो इमाम बेजावी ने भी और इमाम साहिब रूहलमानी अलामा अलूसी ने भी उन्होंने भी इस रिवायत का यही माना बयान किया है लेकिन मैं लफ्ज पढ़ना चाहता हूं इमाम फखरुद्दीन राजी की हाँ। मफातीहुल गैब से ठीक उन्होंने इन्ना ना आते ना कल कौसर का माना क्या बयान किया फरमाइए आ, अल कौसर के आ, इमाम फखरुद्दीन राजी ने पंद्रह मानी बयान की पंद्रा माँणी। पंद्रा माँणी। और अगर आप दीगर तफासिर को देखें तो इमाम तबा तबाई ने अपनी तफसीर अल मीजान में छब्बीस हाँ। लेकिन यहां पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने जो तीसरा माना बयान किया उन्होंने कहा कि इन्ना तैना कल कौसर ये जो जलाल ने अपने महबूब आलतम को कौसर अता फरमाई है ना इस कौसर से मुराद क्या है औलादोहू सयदा कौनैन के जरिए हजूर को मिलने वाली आपकी औलाद अतहार आपकी औलाद अतहार वो इससे मुराद है आहा। उन्होंने आगे जुमले बड़े खास कहे उनका यू थी ही नसलंदा मर्रिस जमान उनका जलाल ने आ, आका करीम सलाम को सईदा के जरिए से ऐसी औलाद अता फरमाई है कि क्यामत तक के जमाने गुजरते रहेंगे लेकिन वो औलाद जो है वो बढ़ती रहेगी खत्म नहीं होगी उन्होंने कहा फिर दो उन्होंने क्वेश्चन किए उनका उन देखो जरा कम कोतेला कितने लोगों को तह तय किया गया इस औलाद में से यानी आप जरा देखिए कि दो शहजादे थे ना हसनैन के बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और फिर उनसे आगे थोड़े से शहजादे बढ़े तो करबला में अठारह के लगभग शहजादों को जो तो शहीद कर दिया गया फिर बनु उमैया में बनु अब्बास भी। ने हर दौर में उन्हें मिटाने की कोशिश ने ने। ने ने की लेकिन की कोशिश की लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ उनमें इजाफा होता गया और उन्होंने इमाम राजी ने मिसाले क्या दी उन्होंने कहा तुम्हें इस कौसर की गोद में खेलते हुए इमाम बाकी नजर नहीं आते इमाम जाफर सादिक नजर नहीं आते इमाम रिजा नजर नहीं आती नजर नहीं आती इस वक्त में एक तहकीक पढ़ रहा था पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत मोहतात होकर भी बयान करें ना तो उनका पैतीस मिलियन सादात मौजूद है मिलियन करोड़ ला, पचास लाखा ला, तो रब ने अपने महबूब को सईदा के जरिए हर लम्हा इस कायनात के ऊपर <स्थ> सरकार की आल का साया मौजूद है अलहमद बेश कोई दूसरी राय नहीं है अब जरा आइए चूंकि इतनी खूबसूरत तमीज इस वक्त नूरी साहब नूरी साहब आते तो वैसे ही नूर हो जाता है तो आइए जरा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि सयद कायनात की जो 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 फ़जाइल क़ुर पाक की मुख्तलिफ आयात की रोशनी में वो ज़रा अपने सुनने वालों को फरमाइए बसमीम जिस तरह मोहतरम नूरी से बहुत खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगु कर रहे थे हज़रत सद फ़ातमत ज़ाहरा सलामल अलह इजतबा इंतब का कुदरत इलाहिया का अनोखा रंग हैं वाह वाह ज़रा उनके फ़ज़ाइल जो कुरने बयान के ज़रा देखें सबसे पहले बंदे का देखना होता है कि उसका जर्फ वाह किस खमीर से गूंदा गया है क्या क्या? तो उनके जर्फ को और जोहर को जो तहारत मिली उस तहारत को कुरान ने बकायदा मेंशन करके बयान किया वाह वा। सिर्फ बयान करने इसलिए जरूरी है कि ये तहारत जो है ना और ये जो तकवा है इसका दीन इस्लाम के अंदर बहुत गहरा किरदार है बेशक जो ये चाहते हैं कि हमें सैदातरा का फैज़ मिले वो अपनी जिंदगी में और तहारत को लाजमन करें क्या अच्छा है यानी उनकी तहारत का बायदा मुबालगे के साथ तस्कर फरमाया वजह उसकी ये थी कि ये दीन के अंदर हजूर नबी अक्रम सल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक एक मेयार सेट करके जा रहे हैं अब जिन लोगों ने हजूर नबी अक्रम सल्लम की बेटी को देखना है उनकी परवरिश को देखना है उनके मसाइल को देखना है बर्ताव को देखना है तो उसवा महमदी का ये सारा रंग की में ही नजर आए अच्छा।, अच्छा फिर देखिए लेकिन कराबत दारी की मोहब्बत मांगता हूँ इसकी क्या बात है कराबत दारी की महबत क्यों मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये जो मेरे कराबत दार हैं ये मेरे दीन के अमल के तो फ्ता लोगों को जब तुम ढूंढने लिखोगे तो उन इनाम याफ्ता में सिद्दीकीन आएंगे शोहदा आएंगे सालहीन आएंगे अम्बिया आएंगे तो ये सिद्दीकीन से शहदा तक के रंग आपको मेरे मुबदत में भी नजर आए तो इसलिए तुमसे मोहब्बत मांग रहा हूँ, ताकि तुम मेरे दीन को सिर्फ थ्योरी न समझते रहो उसके प्रैक्टिकल को भी हमेशा सामने रखा प्रल जितुम इनके करीब रहोगे हाँ? तो उतना मैं खुश रहूंगा क्या क्या फिर आपने देखा कि हजरत फातरा सलाम्ला को जो कुरान ने एजाज दिया वो मुहाफिज तोहिद भी है वाह आपको वाँ। पता है कि ये नजरान के ईसाई, ईसई अलैहिस्सलाम के इबनल्ला का मामला लेकर आपसे बकायदा हा? वो उलझते रहे आपने बड़ी हिकमत के साथ समझाया वो कलेमुल्ला भी हैं वो अमरुल्ला भी हैं वो रूहुल्ला भी हैं वह इबनल्ला नहीं हैं जब उनकी शिद्दत बढ़ गई और इतमाम हजत ज़रूरी था फिर आपको पता है कि उस मुबहले में इतमाम हजत के लिए हीद के मुखालफों को हमेशा रद्द करने के लिए और तबाह करने के लिए जिन नफू कुदसिया के साथ आप जा रहे थे वाह उनमें एक हजरत सैयद सुबह यानी बचपन में आप मुहाफिजाए नामो से रिसालत बनी दिया और उस मौके पर जो है आप मुहाफिजाए तोहीद बनी तोहिद बनी फिर आपने देखा कि इससे बड़ा और क्या एजाज होगा

हजरत फातमा को दर्ज अव्वल में रखा सुबहान तो पड़ोगे क्या तो मेरी बेटी को मेरे साथ रखना वाह सुबह डॉक्टर साहब सिलसिले को जरा आगे बढ़ाइए किसी भी शख्सियत <coughs> किसी भी करेक्टर की हम बात करें तो एक ख़ास बात यह होती है कि उस, उसके किरदार की जो रिफ्लेक्शन है वो अमूमन अलकबात में लोग ढाल दिया करते हैं और अलबा यूँ कह लीजिए कि किरदार को रिफ्लेक्ट किया करता है कोई भी लकब होगा वो किरदार को रिफ्लेक्ट करेगा सईद कायनत सदातम तो जहरा सलाम उल्ल के अलकबा बेशुमार हैं और हर लकब अपनी जगह इतना जामे और ऐसा कमाल है साहब कि आपकी पूरी की पूरी शख्सियत जो है वो ऐसा लगता है कि इस एक लकब के अंदर जो है वह समो दी गई है बिल्कुल तो ज़रा आपके जो अजीम तरीन अलबा हैं उस रोशनी में गुरफू रमाइए बिसमिल जनासा बहुत शुक्रिया अल्लाब्जत का शुक्र है उसके तोीक से हम सैद कायनात की शख्सियत के वाले से आपके मनाकब के वाले से गुफ्तु के लिए बैठे हैं जु नब सयन सलाम्ला आपकी शख्सियत के जिस पहलू की तरफ आपने इशारा किया है बिला आपकी शख्सियत के जितने महासिन हैं वो ला तदादाद हैं और किसी भी शख्सियत के अलकाब का ज़्यादा होना उस शख्सियत के अवसाफ़ की कसरत की दलील होता वा, है वा। तो सीधे कायनात के जो खिताब हैं आपके जो अलकाब हैं जब आप उनको हम देखते हैं तो आपकी शख्सियत की मुख्त जहतें हमारे सामने आती चली जाती हैं दुरुस्त खुद इसमें पाक से देखें फातिमा आपसे सुने शाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा क्योंकि इसने अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लिया वा, 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 वा। अपने अहल को जहन्नम की आग से बचा लिया वाह तो महफूज जह... भी जो है, है भी जो आपके साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो कश्ती नू के स्वर वाह वाह और कश्ती नू के स्वर कभी डूबते नहीं हैं सुबह तो अब जहरा आपका इसमें पाक है रोशन चेहरे वाली रोशनी वाली शख्सियत और एक आपके अलकाब में से कमाल लकब है अभीहा। अभीहा का मतलब क्या है अपने बाप की माँ कैसा यूनिक लकब है आए, हाँ, इसका मतलब क्या है कि आप के जो कमालत हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं सहीद कायनात की जात के जरिए से सुभान और आप असलम की जात और आपका कमालत का तसलसल है सहीद कायनात की जात के जरिए से तो यही वजह है कि आप असलम की वाले पाक कहाँ से चलती है सईद कायनात से चलती है सुबह तो कौसर भी आपके अलकाब में से एक लकब है और कौसर जो नब इतना जाम लगभ है ये सामल्टेनियसली आज सईद कायनात की ज़ात के हवाले से भी और उम्मत के वाले से भी है हाँ, वह कौसर खैर कसीर को कहते हैं ठीक है कि अल्लाह बुजतने सैद कायनात को खैर कसीर बनाया कि जब कुफ़ार ने आप असलम के बारे में कुछ हर्जा सराई की तो उसका जवाब सईद कायनात की सूरत में अता किया कि को वो हरजा सरायाँ करने वाले तो ख़त्म हो गए लेकिन आपसलम की याद क्या तक मौजूद रहेगी सईद कायनात से चलने वाली याद और दूसरी बात कि वो कमालात खैर कसीर जो आप सद कात की ज़ात में मौजूद वो उम्मत के लिए भी आगे चल रहे हैं यही वजह है कि सूफिया के यहाँ सईद कायनत की ज़ात का तस्कर इतना ज़्यादा है मैं एक रेफरेंस जान दूँगा हज़रत हाँ, ख्वाजा मोहम्मद अब्दुलरमा छविला रहमाना जिन्होंने तीस पारों में आपकी पाक परूशीफ लिखा उसके आखिरी पारे में सद कात के नाइनटी नाइन के करीब अलकाबादी न सिर्फ ये बयान किए अच्छा। बल्कि अपने वाबस्तगान को इसका व्यध करने की तलकिन की तुम्हारे अंदर भी कायनात के अलकाब को दोहराते रहो वाह अपनी बच्चियों को अपनी खुवान को कौन अलकाब को दोहराती रहे ताकि उनके अंदर यह किरदार पैदा हो क्या अच्छी बात सब सूरत हाल यह है जो मेडिसन है उनकी तादाद हजारों लाखों में है पेशेंट को वही मेडिसिन दी जाती है जिससे उसको शिफा मिले वाह वाह समझता हूँ सईद कायनात के अनगिनत गिनत में से तीन ऐसे अलकाब जिनका आज जिक्र करना बहुत जरूरी है फरमाइए पहला हाँ। फरमाया फातिमा तो वाह बाज़ रवायात में फातमा तो मुस्कतु मिन्नी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है हाँ। इसको याद करने की उसको समझने की उसकी लाजिक समझने की जरूरत है फरमाते हैं कि आपसा तशी फरमा है और आपने फरमाया मेरे साहबा मुझे ये बताओ खवतानी के लिए क्या वह सबसे ज्यादा बेहतर और फ़ायदा मंद है सेनाली मुतजावी तशरी फरमाते आप खामोशी उठे और घर चले गए और सईदा का इनात से पूछा कि आप सर ने यह सवाल किया है खुवान के लिए क्या सबसे बेहतर है तो आप खातूनों आप बताओ सईदा का इनात ने कमाल जवाब दिया क्या जिसकी वजह से इस लकब को आज बार बार दोहराने की ज़रूरत है ओ क्या सईदा कायनात ने फरमाया खातिन के लिए सबसे बेहतर यह है न मर्द उनको देखे ना वो मर्दों को देखे क्या कहने क्या कहने मुर्तजा सर यह जवाब दिया, दिया। हाँ। तो आप तो ये जवाब आपने कहाँ से लिया हाँ। तो से, अली मुर्तजा ने फरमाया फातमा से ने यही जवाब देना था क्योंकि तुम तुम बदन का टुकड़ा है, वा, 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 तो उसने होना है। वा, और इस उम्मत की एक एक बच्ची के लिए एक खातून के लिए नमूना बना दिया अगर आपने देखना है कि किरदार कैसा होना चाहिए बेरदार कायना को देखा और तीसरा लकब जिसकी तरफ बहुत तोज्जो देने की जरूरत है बतूल नहीं? बतूल नहीं। आप बतूल हैं बतूल का मतलब क्या है सबसे कट के खुदा का हो जाना हाय 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 और मैं लामा को कोट करना चाहूंगा लामा फरमाते हैं कि अगर पंदे अज दरवेशे पजीरी हजार उम्मत बमीर तू नमीरी मेरी एक नसीहत पकड़ ले हाँ, वो क्या पूरी दुनिया हर कौम तबाह हो जाएगी तू तबाह नहीं होगा नहीं। वो नसीहत क्या है है इस उम्मत की खातून नसीहत यह है बतूल बाश व पिन्हा असर के दर आगोशीर बिगीरी बतूल बन जा बतूल बन जाने जा। क्या क्या क्या? क्या क्या? क्या क्या? तो सही के, के किरदार को दोहराना होगा क्या किस ना मैंने दौर नहीं देखा आपने भी नहीं देखा कोई भी उस दौर में मौजूद ना था लेकिन मैंने उस दौर का यूँ कही कि एक अक्स जो है वो भी देखना शुरू किया है या यूँ कहिए कि मैंने जाहिर है अब हमें हमें तो वो 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 वो, वो, वो नसीब ही नहीं हुआ ना वो दौर तो लेकिन ये ज़रूर समझ आया साहब कि वो इतने बुलंद पाया और जो उनके ग़ुलाम होते हैं फिर उनका मकाम और मरतबा क्या होता है ये मुझे ग़ज़ा की पट्टी पर रहने वाली माओ को देख के इस वक्त समझ आया कि साहब सहीद कायन की इसमत तहारत का जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया आप यकीन मानिए ये सात अक्टूबर से लेकर आज तक जितनी भी वीडियोस निगाहों से गुजरी जितने भी मंजरनामे निगाहों से गुजरे तहस नहस हो गई शायद साहब उनके सारे घर उनकी सारी इमारतें लेकिन जहाँ जहाँ कैमरा गया और जिस जिस खातून के ऊपर गया आप यकीन मानिए दिल अशश कर उठा कि इस क्यामत खीजी के बावजूद भी उनका नकाब उनके सर से न सिरका उनका जो आबाया है वो उनके जिसम से न ना उतरा उनका दुपट्टा ना सिरका साहब यानी एक औरत को मैंने अभी तक नहीं देखा ठीक है हो सकता है वहाँ पे ऐसी खातन भी होंगी जो लिबरल माइंडेड होंगी लेकिन अभी तक कैमरे की निगाह से मैंने किसी एक खान को नहीं देखा कि जो बगैर आबाए के बगैर नकब के बगैर हिजाब के नज़र आई हूँ तो मैं कह उठा साहब कि वाकई सैद कायनत की इसस्मत का परताव अगर देखना इस दौर में तो गजा की पट्टी की औरतों पर नज़र आता है दरूद पाक सरकार की बारगाह में उनके ह्याल की बारगाह में पेश कीजिए आप लौट के आपको बतलाएँगे के सरवरदो जहाँ सल्हुस वसम ने सैद कायनात को कितने खूबसूरत और हसीन मोहब्बतों से नवाजा है हमारे साथ जुड़े रहिएगा जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ खातूनः जन्नत जिगर गोशे रसूल सैद फातमत ज़ाहरा सलाम्ला की वार्गह में हम मिल के हृदय पेश कर रहे हैं नाजी और अभी जो मैं वक़े से कब बात कर रहा था कि अगर आपने सईद कायन की कनीज़ों में दुनिया में कहीं इस वक्त आपने अगर बाकायदा बापरदा खुतिन तलाश करनी है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं गज़ा की पट्टी पर देख लीजिए साहब कि आपको वो रंग जो है वहाँ नज़र आएगा तो डॉक्टर साहब डॉक्टर तनौली साहब ने अभी ब्रेक पे जो बड़ी एक अच्छी गुफ्तु फरमाई और बड़ा अच्छा जुमला आपने दिया आपने फरमाया आप देखिए कि वेस्टर्न जो मीडिया है वो जितनी खवतिन को दिखा रहा है वो बादा दिखा रहा है उसकी एक लॉजिकल वजह भी है लॉजिकल वजह ये है कि वो जानते हैं कि वो अगर किसी बेपर्दा खातून को ज़ाहिर है हर माशरे में बेपर्दा खवतानी तो होती हैं तो बेपर्दा खातून को दिखाएंगे तो वो रजिस्टर जो है ऐस फलस्तीनी नहीं हो पाएगी ऐस फलस्तीनी रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी है कि वो वही खवीन दिखाएं जो पापर्दा खीन है तो जिनकी आइडेंटिटी और जिनकी शनाख्त सैद कायनत की कनीजों की सूरत में पर्दा बन जाए साहब फिर सोचिए कि उनका मकबर मरतबा क्या होगा अब जरा फरमाइए क्या मतलब बात निकल आई वैसे ये तो मौजू ही कुछ एक आ, Allah, अच्छा, अच्छा फज़ाइल सदनात की, की जुनीद भाई आपने हमारी माओ बहनों बेटियों के पर्दे की तकदीस का जिक्र तो किया है लेकिन साथ में आ, लोगों को इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि वो जो कुत्तों और बिलियों के हकूक़ की बात करने वाले हैं मैं uh, सिर्फ एक कमेंट उस पर दे के तो अपने सवाल की तरफ आना जनाब 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 कि तो तुम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हो नहीं। तुम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हो तुम सवहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं जिस तरह दरिंदगी वहां वहां खेल खेला जा रहा है और उस दरिंदगी में भी हमारी माए बहने बेटियां चूंकि उनके लिए रोल मॉडल वो इमाम जैनुल आबिदीन ने क्या कहा था कि मदीना से लेके कूफा तक कोफा से लेके कर बला तक बला से लेके शाम तक शाम से लेके वापिस मदीना वा। तईब मेरी फूफो जान सई गिदा जैनब की तहज भी कजा नहीं क्या कहने क्या, क्या हमारे रोल मॉडल ये, ये रोल मॉडल है तो बेपर्दा कैसे नजर आ सकते और आप एक जुमले की अगर मुझे इजाजत दें कि मैगन राइस जो अमेरिकन टिकटॉक स्टार है बहुत बड़ी टिकट स्टार है हुँ। हुँ। और एलेक्स इन दोनों ने इसी इस्तेकामत की वजह से खातिन की जो है इस्लाम कबूलेशन अलहमदुल्लातना ही उबरेगा जितना के दफा इन शहजीज ये कुर्बानियां रंग लाएंगी और इसके नतीजे में उम्मत मुस्लिम बेदार हो

उनकी अजमत रहमत कौन के लबों पर अब देखिए तन पाक की नस्बत से पांच प्रोटोकॉल देते थे पांच प्रोटोकॉल जब वाँ। भी सहीदा मिलने के लिए आती तन पाक की आतीबाकत पहला सही बुखारी में सही बुखारी में पहला प्रोटोकॉल रहा बहा जैसे ही सईदा तशरीफ लाती तो आप उनको वेलकम करते वाह वेलकम करते सुम मकाम अलहा दूसरा प्रोटोकॉल आप खड़े हो जाते अल्लाह तीसरा प्रोटोकॉल हाथ पकड़ते वाह चौथा प्रोटोकॉल आप बोसा देते चूमते अपनी हाँ, हाँ, जिगर को और पांचवा प्रोटोकॉल अपनी जगह से चेंज करके उस जगह पे उनको वा, 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 उस जगह क्या पे बात, क्या बात क्या बात अभी तनोली साहब ने वो सदीस का रेफरेंस दिया डॉक्टर साहब ने फातिमा तो बदा तुम मिन्नी मैं थोड़ा सा उसका ना डिटेल अर्ज करना चाहूंगा कि यह हदीस पाक सही बुखारी में मुस्ंद अहमद में तिरमजी में और मुस्तदरक हाकिम में इसके मुख्तलिफ वर्जन जो है वो आए हैं तीन लफ्जूर असलात वाम ने इस्तेमाल की। एक तो आपने ये बदातुन जिगर का टुकड़ा ठीक एक लफ्ज इस्तेमाल किया मुदगतुन फातिमा तो मुद्दा तुम मिन्नी और ये मुदगा सही बुखारी की हदीस में हजूर ने फरमाया था तुम्हारे जिसम में एक लोथड़ा है गोश का अगर वो ठीक हो तो सारा जिसम ठीक होता है।, है, है, है और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिसम बिगड़ जाता है फसाद का शिकार हो जाता है और आपने फरमाया था उसको ढूंढते ना रहना मैं खुद ही बता देता हूँ अला वही कल्ब वो गोश का जो मुदगा है वो दिल है तो रहमत कौनैन ने सयदा को अपना जिगर भी करार दिया अपना दिल भी करार दिया वाह 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 वा। और तीसरा लफ्ज ने हजूरामातिमा तो शुज ना तुम मिन्नी कि फातिमा जो है ये मेरे लिए शुजना है अब शुजना क्या है ये हाँ। भी दी से पाक में मिलता है हाँ मेरे करीम अकलातलाम ने फरमाया ये जो हमारा ब्लड रिलेशन है ना ठीक है जिसको हम राहिम कहते हैं हाँ। ब्लड रिलेशन ठीक है फॉर्मा अर राह सुजना तुम बिल आर्श अल्लाह हाँ। के अर्श के साथ जुड़ा हुआ है अच्छा ये जुड़ा हुआ है और हाँ। कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इसे इख्तियार देंगे हाँ। कि जिसको तुम कहोगे मैं उसे अपनी रहमत से जोड़ लूंगा सही और जिसको तुम कहोगे कि या अल्लाह मुझे काटता रहा मैं उसे अपनी रहमत से काट दूंगा ओके यानी जो रहीम को काटता है जो हाँ। रहीम को काटता है जो सिला रहमी को जो ब्लड रिलेशन को जो अपना रिश्तेदारी के मामला में एहसान का जैसे वो अर्श के साथ

अच्छा मुझे अल्मोजम कबीर की एक रिवायत यहाँ पे मिल रही है और मैं वालिदैन को मतवज करना चाहता हूँ कि वालदेन का, का बेटियों से रवैया क्या होना चाहिए और उनके साथ बेटियों के साथ आ, मेरे करीब आकलातम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में आता जाता रहता हूँ और मैं जन्नत की खुशबू को अच्छी तरह से समझता हूँ उन्होंने कहा जब मैं जमीन पर आ जाता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे वो खुशबू याद आती है और मैं सूँगना चाहता हूँ तो जरा लफ्ज सुनिए फातिमा आहा। तो हाउराओ इंसानियत इंसानियतुन और मैं मेरी फातिमा इंसानों के रूप में जन्नत की हूर है ये जन्नत की हूर है मा इश्तकत तो अला राजन्ना शमम तो राबनती फर हु मेरा मन करता है ना जन्नत की खुशबू सूंगू मैं फातिमा को बुला के सूंग लेता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू है, है। वा, वा। जन्नत की खुशबू है सुबह अल्लाह सुबह क्या कहने क्या कहने प्रोफेसर साहब यकीन मानिए मन नहीं करा कि गुफ्तु मुनकते आप तीनों में से किसी की भी गुफ्तु जो है मुनखते की जाए बस वक्त सिमटा होता है डॉक्टर साहब फरमाइए जरा कि यही काफी था कि जो नसब आपको अता कर दिया गया था जो शान आपको नसबी तौर पर अता कर दी गई थी जाहिर वजह वजूद कायनात की लाडली शहज़ादी जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम जिनके फजायलोक कमालात के खातून जन्नत सैदत आलमीन <स्थाथ> तो मतलब यही यही वो ये यह, ये तमाम वो सर्टिफिकेट्स थे जिसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं थी लेकिन कमालिए साहब के रहती दुनिया तक आपने हर एक माँ बहन बेटी को अपनी तमाम कनीजों को मैं तो तमाम औरतों को उम्मत की जो है कनीज़ ही कहता हूँ उनकी सब कनीजें हैं उनकी अल्लाह ताला सबको उनका कनीज बनाए हर कनीज को ये पैगाम दे दिया कि न सभी फजीलत अपनी जगह लेकिन इबादत में ज़ुहद में तकवे में एक मकाम हासिल करना होगा मेहनत करना होगी तो आपकी इबादत आपका जोद आपका तकबा बसमी बहुत खूबसूरत आपने फरमाया कि अल्लाह ताला जिनको ये चुनूदगी और इंतबाब के ये मौाक़े देता है वो बकायदा एक मैार की बुनियाद पर होता है ये वैसे नहीं होता तो यानी अल्लाह के इल्म में था कि हज़रत जहरा सलाम अलैहा जो हजूर नबी अक्रम सल वम की लाडली शहज़ादी होंगी ये जहाँ नस्बी फज़ीलतु की हामिल हैं वहाँ मेरे दीन के बाब में जो ईमान और अमल के अला यारात हैं उन आला यारात के नमूने की जगह पर खड़ी हो वाह अब ईमान का अल्लाह पर ईमान का जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो जुने से बुनियादी तौर पर एक तो आपकी बात नहीं कैफी है ठीक है कि आप अल्लाह को मानते कितना है बिल्कुल ठीक है और दूसरा होता है कि आपका अल्लाह तहकाम और शरीय और इबादत के साथ लगाव कितना है क्या कियान? क्या कियान? ये जो बुनियादी तौर पर लगाव होता है ये आपकी बातिन की कैफियत को शो करता है क्या ये जो बतूल के के आपने तकरार सुनी बतबल इले तबती अल्लाह ये बतल का ये यानी हजूर नबी अक्रम सलम को कहा क्या है मेरे नबी आप चूँकि अल्लाह की ज़मीन पर मेरी सबसे बड़ी दलील हैं। लोग आपके ज़रिए मुझे पहचानेंगे, गे तो आपके अंदर मेरी इबादत का और मेरी तरफ कट जाने का एक ऐसा जज्बा नज़र आना चाहिए कि वाकई लोग कहेंगे कि नहीं अल्लाह का अगर कोई बड़ा बंदा है तो वो मोहम्मद रसोल्ला है कि उन्होंने जो बंदगी का हक अदा किया है और जिस अंदाज से नमाज पढ़ते वा, हैं अल्लाह को याद करते वा, हैं वा, वा। फिर शुक्र अदा करते हैं तो आपकी वो जो सारी कैफियत है सारी सारी रात खड़े होकर पौ मुबारक मतवर हो जाए और हजरत ऐशा से देकर अल्लाह त देना या रसूल अल्लाह आपके ऊपर तो कोई बोझ नहीं है आप पर तो हमेशा ही रहा राम है।, है।, तो है तो आपने बोला कि मैं अल्लाह का इबादत गुजार बंदा न बनू और शुक्र गुजार बंदा न बनूं क्या? क्या? तो ये जो शुक्र की और इबादत की वो जो कैफियत थी वो हजूर नबी अक्रम सल वल्लम की जहाँ दीगर तरबियत याफ्ता सहाबा में भी आई तो बड़ा अनोखे रंग में वह हजरत ज़हरा में भी नज़र है। आती है। मतलब एक बारे में है और के करीब हो गया जिसको अल्लाह खुद कहते की मेरे करीब होने का सबसे बड़ा जरिया सजदा है तो उस सजदे में कुर्ब इही की हजरत फातमतरा सलाम्ला की क्या कैफियत होगी कि एक एक सईदा सारी सारी रात काफी लगती थी और आप फिर हसरत के साथ ऊपर जाता तो जाता था, जाता था कि यार सारी रात गुजर गई और अल्लाह को सुबह रबी कहते कहते किस कैफ में वो कहती थी आए अच्छा फिर उनकी बातिन का मिजाज देख वैसे तो हजू नबी अक्रम सल्लम के पास हजरत अली रजी अल्लाह तु के बाद एक खादमा के लिए गई है ठीक है भाई खादमा देखें आई आई जो आई। कि हजूर को भी अपनी बेटी के मिजाज का इल्म था ये काम से कतराने वाली नहीं चलो सहूलतें फिर भी मिल जाएंगी वरना इनको सहूलतों की क्या कमी है फातमतरा को एक और एजाज भी दे दें इनके नाम की तस्वीर पूरी उम्मत में जारी कर दे कहते हैं तस्वुफ की दुनिया में एक मिजाइल है ये तस्वीर ये हम बहुत आसान ले लेते हैं नमाज के बाद जो नमाज है। के बाद है है। लेकिन मिजाइल यही है, है ये मिजाइल यानी सुबहानल्लाहमदल्ला वाह अकबर ये तैतीस और चौंतीस का जो तनाव सौ चौतीस ठीक वो पढ़ना ये भी हजरत जहरा की तरफ से हमें मिला अच्छा कैफियत देखें जा लिए रही है और ला क्या रही है को इल्म था कि ये मेरी बेटी बहुत बड़ी <स्थिति> इबादत के साथ और जिक्र के साथ बस्तगी रखती है चलो काम की थकावट के लिए वो हेल्प नहीं मिल सकता हालात ऐसे हैं लेकिन इनको रूहानी तस्किन मिलनी चाहिए एक जुमला फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं रिवायतें ये भी बतलाती हैं कि अपने लिए कुछ ना मांगती थी या यानी जोहद का आलम यह था कि जो कुछ मांगती थी उम्मत के लिए मांगती यानि बाबा जान का जो अंदाज था वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये भी आपका था कि हजरत इमाम हसन हाँ। अले कहते कि हाँ। मैं देखता रहता था मेरी दुआ भी बहुत लंबी करती थी आए हाँ। और आपको पता है सही इबादत गुजार बंदा हो हाँ। उसको हलावत बढ़िया अच्छा, मांगा। नहीं मांगा उसको पसंद है पसंद मांगा। है इतना मांगते हुए आप हलावत फील हाँ। करें कि आपने हाथ उठाए किसके सामने अल्लाह के सामने हाथ उठा कर जुमले बोलते हुए फिर उन जुमले में वो कहती क्या थी हजूर नबी अकरम सल्लम के दीन की तरक्की आपकी उम्म भला और दीन का राइज हो जाना ये दुआ मांगते हैं क्या कहना आखिर में डॉक्टर साहब आइए अब जरा तमाम ही माएँ बहनें बेटियाँ जो इस वक्त हमें सुन रही हैं मजमू तौर पर अगर सरापे की हम बात बहुं करें तो और यकीन हम गुफ्तु में उसको समो नहीं सकते अल्फा हमारे पास हो ही नहीं सकते एक बेटी की हैसियत से एक बीवी की हैसियत से फिर एक माँ की हैसियत से सद कायन सलामल की जो हस्ती मुबारक है वो उम्मत के लिए <coughs> हयात है निजात है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है चाहे हम खातिन की बात करें चाहे हम मर्दों की बात करें तो ज़रा फरमाइए इस हवाले से ख़ास तौर पर जो एहसान अजीम मैं तो ये जानता हूँ साहब ये औरत कितनी ही लिबरल हो जाए मुसलमान अल्टीमेट उसने आ, कफनाना ही मतलब उसको कफनाया ही जाता है उसको दफनाया ही जाता है तो उस लिबरल औरत को भी आज की जो बड़ी सेकुलरिज्म की दावेदार बनी हुई है उसको भी अगर कफ़न मिला है तो सयद कायनात बीबी फातमत तो ज़हरा सलामै की वजह से उस कफन का पर्दा मिला है जरा फरमाइए इस हवाले से ये जी साहब आपने दो बड़ी बुनियादी बातें शायद फरमा दी एक तो ये कि सैद कायनात का बतौर बेटी बतौर माँ बतौर बीवी क्या है जरा हमारे लिए रहनमा किरदार और दूसरा आज की औरत पे आपका एहसान क्या है जुनैद साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज की औरत को औरत होने का मनसब सद कायनात ने अता किया इससे पहले और आज भी वेस्ट की सोसाइटी दुनिया की वो सोसाइटी जहाँ सही फा, फा सद कायन सीधा फातमत तो के किरदार की किरणों को तस्लीम नहीं किया गया औरत औरत नहीं ऑबजेक्ट है।, है बिल्कुल है। एक शय है बिल्कुल जैसा गलास होता है सुराई होती है कार होती है कुछ चीज़ें होती हैं ना औरत को चीज़ समझा जाता है प्रोडक्ट के तौर पर प्रोडक्ट के तौर पर बिल्कुल और उसको उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है अस्ता, फरमाए जिस तरह किसी आप किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करें तो इस, औरत के तकदस को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है ऐसे इस तकदस को जान दी है इस तकदस का शोर दिया है जिस करेक्टर ने जिस किरदार ने और सहीद कायनात का किरदार है औरत का सोसाइटी में जो नो किरदार हो सकता है बेटी के तौर पर हो सकता है तो उसको देखें तो सहीद कायनात एक ऐसी बेटी के तौर पर सामने आती हैं इससे बड़ी बेटी इससे मिसाली बेटी नहीं हो सकती वाह यानी आप देखें कि बचपन की उम्र में शाबी तालब का जब मामला शुरू हुआ तो आपकी उम्र दो साल थी और सीधा कायनात ने वो सारी मुश्किल बर्दाश्त कं जो मुश्किल पूरा आल बैत, खान, खान वादा और गहनाना ने बहुत बर्दाश्त कर रहा था यानी क्या हौसला था और आप आपसम के साथ अच्छा आमजन के बाद आप के लिए सबसे बड़ा सहारा सीधा कायनत ही थी ठीक है आपके दुख दर्द बांटने वाली आपके हर मामले के अंदर आपके साथ दस्तो बाजू बनने वाली छोटा होने के बावजूद भी उम्र में छोटा होने के बावजूद भी घर से बाहर भी आपके दुखों को कम करने वाली हम देखते हैं कि सही दे कायन है अच्छा उसके बाद बतौर अगर आप अहलिया देखें तो जिस तरह सई सी अली मुर्तज़ा के साथ आपका वक्त गुजरा कि पूरी ज़िंदगी कभी कोई शिकवा शिकायत हमें नज़र नहीं आती एक मिसाली किरदार है बतौर बीवी के और बतौर माँ के इससे बड़ा क्या, क्या किरदार होगा असनैन कि करीमैन आपके सामने है अल्लाह कहते हैं ना दरख्त को, को जड़ से नहीं फल से पहचाना जाता है। वा, वा। इस, इस, इस के साथ फल कौन सा लगाया सईदा जैनब को देखें वाह इमाम हसन को देखें इमाम हुसैन को देखें तो पता चलता है कि क्या कैरेक्टर तो आपने तश्कील दी है अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की सुबह तो ये मुमकन नहीं था तां बतौर माँ सईद कायनत का वजीम किरदार ना होता या मैं बताना चाहूँगा किमामा जो हमें मतवज करते हैं कि आज की बेटी को इन तीनों जहतों से वाह बेटी के तौर पर बीवी के तौर पर माँ के तौर पर सीध का नासी का रहनमाय सीरत फर्जंद हा हाथ। जो हरे को सफा अज उम माए होंगी तो बेटों का किरदार होगा माँ होगी तो सिद को सफ़ा पैदा होगा वाह मिजरा तस्लिम रिल बतूल मा दे रहा रातूल अस्सीमो रजा अगर कोई खेत होता तो उसका फल फातमा तोहरा है और उस कामल माओ के लिए अगर हो सकता है तो सीधा कायनात की जात है क्या के? और आगे देखें बहर दिलश देखे बहरे मोहताजोखी चादर खुद रोख्त यह फातिमा है कि जब उन्होंने एक मोहताज को देखा तो उसके दुख को इतना महसूस किया कि अपनी चादर को फरोख्त करके उसकी मुश्किल को टाला हाय हाय अल्लाह नूरी फरमा बरश फरिश्ते आपके ताबे फरमा जिन्नात आपके ताबे फरमा क्यों गुम रजाइश दर रजाए शोहरश कि आपकी रजा आपके शोहर की, नूरी नूरी की, रजा, की रजा में गुम है लिहाजा नूरी मखलूक की रजा फातमा की रजा में गुम है और फिर उस मिसाली बीवी बनने के नतज क्या है सुबह बता रहे जिस तरफ अभी जामी सा फरमा रहे थे कि क्या सबर की परवरदा है फातमा चक्की चला रही है और कुरान पढ़ रही है सुबह जुबान पर शिकवा नहीं, नहीं, नहीं है और गिरया हाय जे बाली बे न्याज गोहर अफशानदी बदामा नमाज सईद कायनात के भी आंसू हैं लेकिन ये औरतों वाले आंसू नहीं जो तकिया रख के रोती हैं सईद कायनात के आंसू तकिए गिरने वाले आंसू नहीं है सईदा कायनात के आंसू सजदे में गिरने वाले आंसू हैं और आखिरी बात जिस पर मैं बात खत्म करूंगा अश के ऊ बर चीर जिबरी लाजमी हम तो शबनम रीख तबर अरशे बरी ये वो आंसू हैं जब ये गिरते हैं सजदे में तो जबरील इसको उठाते हैं और उठा के अर्श पे पहुंचाते हैं वाह वाह क्या कहने बहुत शुक्रिया आप तीनों आबाब आप का इस तयन के साथ के इन ये बारगा सैद कायनत में जिक्र मकबूल होगा और इस तमन्ना के साथ के कल बरूज मशर इनशा सयद कायना जिक्र करने वालों और सुनने वालों पर अपना करम फरमाएंगी कि जनाब 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 जामी साहब ने दौरान गुफ्तु कुरान की एक आयत पढ़ी थी हाँ। जो आयत सजदा है हाँ हाँ। तो सम्... जिन दोस्तों ने वो सुनी है हाँ। वो बाद में एक तिलावत का सजदा जरूर कर जरूर कर लें बहुत सी बहुत सी बहुत सी बहुत, बहुत शुक्रिया किताब शिफा तस्बी फातिमा की फजीलत फरमान रसूल सल्हसम हर फर्ज नमाज के बाद तैतीस बार सुबहानल्ला तैतीस बार अलहमदिल्ला और चौंतीस बार अल्लाह अकबर पढ़ने से रिस्क में बरकत बदन में थकावट और दूर और पुरसकून नींद आती है सईद कायनात बीबी फातमत जहरा सलाम्ला कॉले कौल मुबारक है कि खाने को नमाज के जरिए हजम किया करो क्योंकि खाना खाकर सो जाने से इस खाने के फवाद हासिल नहीं होते अगर खाना खाकर नमाज अदा की जाए तो वो खाना अपनी असल जगह तक पहुँच जाता है रोजनामा नाइन टू न्यूज़ में आज मजमून जरूर पड़िएगा जन्नत सैद फातमत उजहरा सलाम के वाले से एक्सपे में फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर

आयात में बयां है तारत पुतुल की आयात में बयां है तारत पुतुल की کرتے ہیں پیار مصطفیٰ عزت رسول کی کرتے ہیں پیار مصطفیٰ عزت بطول کی شب بھر خدا था थल का शब भर खुदा की याद में रहना था थल का नूरी भी देखते थे इबादत बुतूल की नूरी भी देखते थे इबादत बतूल की और वो पाराए रसूल है वो नक्शाए रसूल मत पे इसलिए है फजीलत बतूल की उम्मत पे इसलिए है फजीलत बतूल की वो रहा मते जहान से लेती है रहमते हर उम्मती को मिलती है रहमत बतूल, बतूल की हर उम्मती को मिलती है रहमत बतूल, बतूल की, बत की। साजिद है रबे करीम का साजिद पे खास लुत्फ है रबे करीम का पढ़ता है नात करता है मिदहत बतूल की पढ़ता है नात करता है मिदहत बतूल की आयात में बयां है तारत बतूल की